हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या पढ़ना है, क्या मैपिंग टास्क पूरा करना है। और न्यू मेंबर के लिए यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली बताया जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिविजन करना है, क्या मैपिंग टास्क पूरा करना है, जिससे आप अपनी तैयारी को और ज्यादा इम्प्रूव और इन्हांस कर सकते हैं। अगर आप इस टास्क को फॉलो करते हैं सुबह 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको डेली मिल जाता है। तो देखिए, आज आपको आपकी तैयारी का 21वां दिन देखने को मिलेगा और आज 28 जुलाई है। तो आज आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th क्लास, जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी। देखिए, अभी आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, अब इंडियन ज्योग्राफी 11th क्लास का ही आपको एक और बुक ज्योग्राफी की देखने को मिलेगी, जिसको आपको पढ़ना है। इस तरह से इसका मैप आप लोग देख सकते हैं, मतलब बुक का हमने फ्रंट यहाँ पर लगा दिया है, तो आप जाकर के मार्केट से खरीद लीजिए या फिर आप लोग पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ए बी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसको अच्छे से आपको पढ़ना भी है और आपको नोट्स भी बनाने। तो आज आपको सिर्फ इसके 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 1 और 2, इनको अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 1 तो कम इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद भले कुछ हल्के हल्के आपको आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलते चले जाएंगे, लेकिन आपको सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा देखिए, जो आप लोगों ने टास्क कवर करके दिया था उसका मैप लगाना हम भूल गए हैं, मतलब आप लोगों का जो टास्क था वो लगाना यहाँ पर भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज आपको मैपिंग टास्क में क्या कवर करना है। तो आज आपको यूरोप की रिवर हैं, मतलब यूरोप की नदियां हैं प्रमुख प्रमुख, वो आपको सर्च करके एटलस पे देखने के बाद में ब्लैक मैप पर नोट करनी है। तो देखिए, इनके नाम है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे भारत की नदियों के नाम इतने ज्यादा अलग नहीं होते हैं, लेकिन ये वाली जो नदियां हैं इनके नाम आपको हो सकता है आपका मैप है अदर एटलस है उस पर अलग तरह का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बॉल मैप लेकर के आएंगे उसमें अलग आपको नाम देखने को मिलेंगे, मतलब प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए इसके अलग अलग थोड़े से नाम देखने को मिलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इससे मिलता जुलता आराम से आपको नाम मिल जाया करेगा। तो परेशान नहीं होना है कि सर ने गलत लिखा दिया, फिर हमारे एटलस में गलत है, या फिर हमारे पास में एक एटलस है और हमारे पास में एक बॉल मैप है, तो उन दोनों में देखते हैं उसमें भी नहीं मिलता है, और जब हम बॉल मैप पर या फिर एटलस को अपने गूगल मैप से जाकर के मिलाते हैं तो वहां भी नहीं मिलता है, या फिर उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है। तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग हर चीज में आपको अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग किए जाते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी लोकेशन आपको सर्च करनी है। देखिए, यहाँ पर आपको पोलैंड है ना, यहाँ से सारी रिवर आपकी स्टार्ट होगी। तो देखिए, आपको यहाँ पर पोलैंड आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ से आपकी रिवर स्टार्ट होगी। अब देखिए, पहला यहाँ पर विस्तुला लिखा हुआ है ना, इसका नाम ही देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एकदम डिफरेंट है, यहाँ पर W से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर B से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो नाम आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन होता है थोड़ा सा डिफरेंस होने के कारण अलग अलग तरह से इनको लिखा भी जाता है। देखिए, पहला ही तो आप लोगों को मिल गया ना, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, पहला आप लोग इस तरह से विस्तुला देखेंगे और फिर इस तरह से सारी रिवर आपको इस तरह से मिलती चली जाएंगी। आपको कैसे आना है, इस तरह से घूमते हुए आना है तो आपको सारी की सारी लोकेशन मिल जाएंगी, फिर उसके बाद में आपको इधर से इस तरह से जाना है, फिर आपको ये सारी लोकेशन दिख चली जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, तो आपको एक बिस्तला आपको देखने को मिलेगी, फिर ओर्डन आपको देखने को मिलेगी, एल्ब देखने को मिलेगी, और बिशर्न आपको देखने को मिलेगी, राइन रिवर आपको देखने को मिलेगी, साइन रिवर देखने को मिलेगी, लोयर रिवर देखने को मिलेगी। तो देखिए, इस तरह से आपको ये एल्ब रिवर है, ये राइन रिवर आपको देखने को मिलेगी, साइन रिवर आपको देखने को मिलेगी, ये लोयर रिवर आपको देखने को मिलेगी। ओके, फिर उसके आगे आप देखिए, ये आपको गैरेन रिवर है वो आपको देखने को मिलेगी, गैरेन के बाद आपको डियोरो देखने को मिलेगी। ये देखिए डियोरो है, और डियोरो है ना, इसी का जो बेसिन आपको देखने को मिलेगा, इस घाटी में सबसे ज्यादा शराब का उत्पादन होता है, आपको बाद में पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर शराब का उत्पादन बहुत होता है, इसके पोर्ट से दारू है, शराब है, उसका निर्यात भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो डियोरो है, फिर उसके बाद आपको टिंगस आपको देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद देखिए ये देखिए आपको एक मिनट यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर टिंगस से देखिए, इसको यहाँ पर TEGO लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से TUNGUS लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको नाम थोड़े से अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, जैसे कि आपको बता चुके हैं। फिर उसके आगे आपको यहाँ पर देखिए, ये वाली रिवर आपको देखने को मिलेगी, ग्वाडेलक्यू आपको रिवर देखने को मिलेगी, फिर आपको जो एब्रो रिवर है वो देखने को मिलेगी। ओके, ये देखिए आप लोग, फिर आपको रोहन रिवर आपको देखने को मिलेगी, ये देखिए है, ओके, रोहन रिवर आपको देखने को मिलेगी, फिर उस आगे आपको टाइवर देखने को मिलेगा, और पो देखिए, पो आपको जो इटली है ना वहां पर आपको एक पो रिवर देखने को मिलेगा, और टाइवर भी आपको इटली में ही देखने को मिलेगा। हो सकता है
टाइगर रिवर आपके मैप में ना बना हुआ हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ये इटली के अंदर आपको इस तरह से दिख जाएगा। फिर उसके बाद में आपको डोन रिवर आपको देखने को मिली, ये देखिए डॉन रिवर ए है, ओके, तो डॉन रिवर है। और इसी के पास में ही बोल्गा रिवर भी आपको देखने को मिलेगी, डॉन रिवर के पास में। ये बोल्गा रिवर है ना, ये यूरोप की सबसे बड़ी रिवर आपको देखने को मिलेगी। और जब आप रिवर देखें ना, तो ये जरूर देखिएगा ये रिवर आकर के कहां पर निकलती है, मतलब इनका मुहाना है वो कहां पर है। जैसे ये बोल्गा रिवर है, ये देखिए कैस्पियन सी में निकलती है, जो डॉन रिवर है वो ब्लैक सी में आकर के निकलती है। तो इस तरह से आपको देखना है सभी रिवर के बारे में, वो आकर के कहाँ पर निकलती है, किस खाड़ी में निकलती है, किस सागर में निकलती है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए इधर की जो आपको ये बताए हैं ना, ये सब की सब आपको देखने को मिलेगी, किधर निकलती है, इस तरफ निकलती है, मतलब यूरोप के उत्तरी साइड में ही निकलती है। तो देखिए कुछ है वो बे ऑफ बिस्के में निकलती होंगी, कुछ इधर निकलती होंगी, कुछ नॉर्थ सी में निकलती होंगी, तो इस तरह से सारी रिवर निकलती होंगी। ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर उसके बाद में देखिए आपको डाइनेस पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए जो डाइने पर आपको डाइनेस पर और डेन्यूब आपको, ये देखिए तीन रिवर हैं, ओके, देखिए इसको फिर से हम क्लियर कर देते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर दिखे, ओके। देखिए ये डाइने पर है और डाइस पर आपको एक देखने को मिलेगी और डेन्यूब रिवर देखने को मिलेगी, ये तीन रिवर है। देखिए आप इधर से इस तरह से आएंगे तो ये देखिए तीनों की तीनों रिवर आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसमें जो डेन्यूब रिवर है ना, ये रिवर काफी इंपॉर्टेंट है, ये डेन्यूब रिवर आपको देखने को मिलेगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र विश्व की ऐसी नदी है जो 8 देशों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों प्रांतों से नहीं बल्कि 8 देशों से होकर के गुजरती है। क्योंकि यूरोप में छोटे छोटे से 2 देश ही होते हैं, हमारे जितना बड़ा जिला होता है उतना बड़ा इनका पूरा का पूरा, जितना बड़ा हमारा मंडल होता है उतना का बड़ा इनका देश आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये रिवर है आपको देखने को मिलेगा कितने देशों से गुजरती है, ये 8 देशों से होकर के गुजरती है और जाकर के कहाँ मिल जाती है, ब्लैक सी में जाकर के गिर जाती है। इसके अलावा देखिए आपको ओनेगा देखने को मिलेगी, देखिए जो ओनेगा है ये देखिए जो डोन रिवर हो गई, ये सारी रिवर है कहाँ गिरती है, ये तो आपको ब्लैक सी में देखने को मिलेगा। और जो बोलगा है वो भी कहाँ गिरता है, ब्लैक सी में गिरता है। लेकिन देखिए जो ओनेगा है और जो डेविन है और मेजिन है और यहाँ पर पिचोरका है, ओके, देखिए ये वाली रिवर है ना ये आपको ऊपर देखने को मिलेगी, देखिए यहाँ पर आपको व्हाइट सी देखने को मिलेगा, ओके, यहाँ पर व्हाइट सी है ना, यहाँ पर ही आपको ये सारी रिवर देखने को मिलेंगी। देखिए इस तरह से एक रिवर देखने को मिलेगी, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ये सारी लोकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ओके। जैसे ओनेगा है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ओनेगा देखने को मिलेगी, ओनेगा के बाद आपको जो डेबिन है वो आपको देखने को मिलेगी इस तरह से। फिर आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मेजिन देखने को मिलेगा, फिर आपको पिचोरका है वो आपको इधर लास्ट में इस तरह से देखने को मिलेगी। तो ये सारी लोकेशन इस तरह से आपको सर्च करना है एटलस में और उसके बाद में नोट करना है। और इसके नाम है थोड़े से खतरनाक है, आप लोग अगर इन्हें पढ़ेंगे तो आपका जवान भी थोड़ा सा अटकेगा क्योंकि ये अपने इधर की नहीं है। तो इस तरह से देखिए आपको सारी लोकेशन दी जाती हैं और इस तरह से डेली टास्क बताया जाता है। अभी आप लोगों का ज्योग्राफी चल रहा है, फिर इसी तरह से सारे सब्जेक्ट आप लोगों के चला करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के लिए 8 बजे मतलब जो आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है ये डेली 8 बजे मिल जाती है, तो इसी तरह से सारी वीडियो आपको डेली 8 बजे मिल जाती है। इसके अलावा आप लोगों के लिए 3 बैचेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किए, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इनके जो टाइमिंग है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 3 बजे और 6 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है, 2 डेली लाइव क्लास चलती है, ये पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा आप लोगों के लिए लाइव क्लास करनी भी होती है, ओके। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी 12 बजे एक करंट अफेयर की द हिंदू हिंदी में आप लोगों के लिए कंपाइलेशन दिया जाता है, वो भी वीडियो आकर के आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको सेपरेट यहाँ पर प्ले लिस्ट बना दी है, आप लोग आकर के इनको भी अच्छे से देख सकते हैं, ओके। तो चलिए ये आपके आई कार्ड है बन गए हैं, अगर इसमें नाम है तो आपका आई कार्ड बन चुका है, ये गर्ल्स के हैं, इसमें अगर आपका नाम है तो आपका आई कार्ड बन चुका है। और जिन लोगों के अभी तक आई कार्ड नहीं बने वो जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, सेम थंबनेल लगा हुआ है, इसमें हमने बताया किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, कहां पर उसका लिंक मिलेगा, सब कुछ A to Z। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में आप भी फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें, ओके।